है। हाँ प्लस इसमें जैसा आप ऑर्डर से ये जो मंदिर है जाने वाला है, ये देखिए आप गाइस, इतने सुंदर सुंदर मंदिर मैंने आज तक नहीं देखे, क्योंकि इसमें रखने का सामान का स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा भैया ने दिया है। खुदाई करके अंदर पत्थर डालने के बाद ये है, इसमें पौधा लगाया जाता है, बाकी इधर आप दीपक जला सकते हैं। तो गाइस ये है मार्वल का मंदिर, और मार्वल के अंदर ये देखो दीपक रखने के लिए जगह दे दी है, ये बहुत अच्छी लगी ये चीज मेरे को, ये देखिए यहाँ पे दीपक। छोटा मंदिर से स्टार्ट है मेरे पास, बाकी अलग अलग। आज मैं आ चुका हूँ अजमेर रोड, और यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक आपको यहाँ पे मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। इतने सुंदर मंदिर है यहाँ पर, इतने सुंदर, बहुत सुंदर, आपको पसंद आ जाएंगे एक बार में ही। ये देखिए आप, ये देखिए। दोस्तों दिवाली आने वाली है और फेस्टिवल सीजन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं बता दूं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मंदिर। मंदिर इसलिए होता है क्योंकि जैसे अपन घर बनवाते हैं ना, सबसे पहले अपन मंदिर को स्थापन जो है करते हैं एक जगह पर, उसके बाद ही अपन जो है सब चीज़ें रखते हैं। तो मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो स्थापित करने की होती है मंदिर। तो इसलिए आज मैं आ चुका हूँ अजमेर रोड नियर RJ14 रेस्टोरेंट के बगल में है ये कृष्णा स्टोन। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह के जो है यहाँ पे मंदिर हैं, और आप यहाँ पे कस्टमाइज भी करवा सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ से आप बाहर भी लेके जा सकते हो। फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर यहाँ पे जो है ये शॉप वाले खुद ही बनवाते हैं, किस तरह से जो है काम चल रहा है। और ये मार्बल के जो है मंदिर हैं, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी जो है ये खुद करवाते हैं, और कस्टमाइज आप करवा सकते हो अपने अनुसार। तो एंट्रेंस इसका कुछ इस तरह से, राइट हैंड पे जो है मंदिर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और लेफ्ट हैंड पे मैं आपको लेके चलता हूँ। और यहाँ पर इस तरह के जो है मंदिर है जो आपने शायद कभी देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारी जो है वैरायटी, ये देखिए आप, इस पे कलाकारी हो रही है, ये सिंपल वाले हैं, मतलब आपने शायद ही कभी देखे होंगे। और इनकी जो है डिटेल लेने के लिए भैया से आपको जो है इनको मिलवाते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको सर से मिलवाना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। सर आपको यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं? सर 4 साल हो गया है। 4 साल हो गए, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। जी जी जी, डिटेल के अंदर। जी जी सर, जैसे ये अपन प्रीमियम रेंज में बात करें, तो प्रीमियम रेंज जैसे कि ये है आपने बताया। जी जी, तो आप मेरे को बताओ ये जो किस तरह से बना हुआ है, देखिए ये गोल्डन लाइन है और ये लाइन है। सर ये मीनाकारी है, ये एम्बोस किया हुआ है। हाँ प्लस इसमें जैसा आप ऑर्डर से बनाना चाहते हैं ऑर्डर से हम बना के देते हैं। सर इसमें ऑर्डर वाला है क्या? नहीं सर, ऑर्डर से मतलब ऑर्डर से बन जाएगा, कस्टमाइज भी हो जाएगा। जी जी, प्लस इसमें स्टेप बना हुआ है, प्लस सर देखिए इसमें उड़न का ड्रो है। सर इधर भी देख लीजिए। तो सर जैसे आपने अभी दिखाई वुडन के बने हुए। जी जी, और ये जो कलाकारी है ये भी सेम है? सेम है। ये निकलता तो नहीं है जल्दी से? नहीं सर, इसको वॉश कीजिए तो ये कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। और ये स्टोरेज के लिए कोई भी रख सकता है? स्टोरेज काफी जरूरी होता है मंदिर के अंदर। जी जी, जैसे कि कुछ पूजा के सामान वगैरह रख सकते हैं। तो सर नेक्स्ट अपन इस पे आते हैं, ये वाले मंदिर पे, इसमें मूर्ति भी लगी हुई है। जी जी, इसके बारे में आप मेरे को बताओ कुछ। सर ये जो है ना ग्रेनाइट टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। कौन सी टाइल में? ग्रेनाइट टाइल में। ग्रेनाइट टाइल में बना हुआ है। इसमें अलग अलग कलर आते हैं, तो और भी कलर में मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। हाँ दिखाइए। ये देख लीजिए, ये भी ग्रेनाइट टाइल है सर ये, बाकी इल्ले वर्क है और भी सारे। ये भी देख लीजिए सर, इसमें क्या है, ये दीपक जलाने के लिए है, प्लस ये ड्रो है सामान रखने के लिए, दोनों साइड से ये फुल ओपन, अंदर सामान रख सकते हैं आप। सर एक चीज़ बताइए मुझे कि इसमें देखो डायमंड वगैरह ऐसे मोती लगे हुए हैं। जी जी, ये भी नहीं निकलते? नहीं सर, इसको अगर हम नाखून से निकालेंगे तो ही निकलेगा, ऐसे नहीं। ऐसे आप धोइए, वॉश कीजिए, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं। कोई तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, यदि आप आगरा गए हैं ताजमहल घूमने के लिए, इस टाइम मैं ताजमहल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो देखिए आप डिज़ाइन, ये हूबहू जो है ताजमहल के ऊपर है, ऐसे ही डिज़ाइन है। तो भैया ये सर जो वर्क है, ये तो इल्ले वर्क है। हाँ सर, इसमें ये खुदाई करके अंदर पत्थर डालने के बाद ये पॉलिश किया जाता है। अंदर से है ये पत्थर? हाँ, के अंदर पत्थर के अंदर है, मार्बल के अंदर है सर, खुदाई करने के बाद है ये। हाँ सर। तो ये तो बिल्कुल नहीं हटेगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर, इसका लाइफ टाइम है सर। अच्छा, इसकी ये जो है एडवांटेजेस का। जी।
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि ग्रेनाइट वाले मंदिर भी यहाँ पे जो है भैया बनाते हैं। अपन ने अभी जो सेगमेंट की बात की थी वो प्रीमियम सेगमेंट की बात की थी, अब कुछ अपन आपको जो है प्रीमियम से हटके सिंपल वाले सेगमेंट में आपको भैया से अपन दिखवाते हैं। भैया ये सिंपल मंदिर है, इसमें मार्बल क्वालिटी और भी डिजाइन के हिसाब से मेरे यहाँ पे अलग अलग साइज के हिसाब से हर तरह की डिजाइन बनता है और रेट भी अलग अलग प्राइस में। सर ये देखिए आप, सर ये दिखाइए, ये किस तरह का मंदिर है, कौन सा है? सर इसको मैं स्टेप सेमी राउंड बोलते हैं, ये अलग सेमी राउंड। जी सर स्टेप अच्छा। सेमी राउंड ये मंदिर का नाम है सर। इसमें आपको ये देखिए, ये पूजा का सामान रखने का भी जगह है सारा आपको ड्रो में। सर ये जो है कौन से पत्थर में बना हुआ है? ये सर निजन्ना व्हाइट पत्थर है, बाकी मकराना में बनते हैं। व्हाइट पत्थर का है ये? हाँ जी, ये निजन्ना व्हाइट पत्थर है। बाकी तो सर जैसे ही अपन बात करें, अपने पास जो है लोएस्ट से हाईएस्ट जो अपन रेंज बताते हैं। सर ये 400 से स्टार्ट है मेरे पास, 400 से छोटा एंट्री पे जो लगाते हैं। एक बार देख लीजिए आप, दिखा दीजिए, आ जाइए। ये देखिए सर ये छोटा मंदिर से स्टार्ट है मेरे पास, बाकी अलग अलग डिजाइन में हर तरह की रेंज अलग अलग आपको देखने को मिलेगा और कस्टमाइज भी करवा देंगे भैया, जैसे ही आप चाहो, जिस ग्रेनाइट में चाहिए, मार्बल में चाहिए, जैसे ही पत्थर आप चाहो उसमें कस्टमाइज करवा देंगे, पत्थर के हिसाब से ही जो है प्राइस बढ़ती जाएगी। ये सर रथ सेमी राउंड मंदिर है, ये रथ सेमी राउंड मंदिर है, ये अलग डिजाइन है सर। ये जो मंदिर दिख रहा है ना वाकई में ये ना अट्रैक्टिव और बहुत शानदार लग रहा है, सिंपल लुक के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है मंदिर। सर ये देखिए ये तुलसी के लिए है, इसमें पौधा लगाया जाता है, बाकी इधर आप दीपक जला सकते हैं और इसमें भी कलर में मिल जाएगा आपको, व्हाइट में भी मिल जाएगा और भी डिजाइन में मिल जाएगा आपको। जैसे ये देखिए सर इसमें साइज छोटा है, साइज छोटा भी है बड़ा भी है और भी इससे हर साइज का आपको ऑर्डर से बना के मिल जाएगा। जैसा आप साइज चाहोगे मंदिर के अंदर चाहे तुलसी वाले के अंदर साइज आपको भैया कस्टमाइज करवा देंगे, पत्थर आपको कस्टमाइज करवा देंगे आपके अनुसार और जो है प्राइस उसके हिसाब से ही लगेगी, जैसे ग्रेनाइट का है या फिर टाइल्स का है। इतने सारे जो आपने मंदिर देखे, इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे, इनका जो है पत्थर अलग अलग जगह से आता है, तो भैया बताएंगे, भैया आप ये बताइए ऑडियंस को कि अपना जो पत्थर है वो कहाँ कहाँ से आता है? सर पत्थर उदयपुर से आता है, प्लस आपको मकराना से इशू होता है, प्लस आपको किशनगंज से होता है, राजसमंद से होता है, यहाँ यहाँ जो भी आपने नाम सुनी यहाँ से भैया का जो है पत्थर आता है। गाइस स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग ये खुद ही है, तो यहाँ पे आप एक बार नज़र मार लीजिए, ये देखिए आप, ये भैया मंदिर बना रहे हैं। और मैं आपको पीछे भी दिखा दूँ, ये स्केल से नाप कर ये पत्थर काट रहे हैं। देखो ये पहले लाइन खींच रहे हैं पेंसिल से, फिर उसके बाद जो है ये पत्थर को काट रहे हैं, फिर इसको बनाएंगे इस तरह से। तो गाइस इतने सुंदर सुंदर जो आपने मंदिर देखे उनके ओनर सर से आपको मैं मिलवाता हूँ। सर आपका जो है नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम संपत सालड़ा है। सर अपनी ये जो शॉप है कब से है? ये 3.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, और यहाँ का जैसे ऑडियंस आएगी आपको कॉन्टेक्ट करेगी तो यहाँ का एड्रेस? एड्रेस ये अजमेर रोड पे RG14 रेस्टोरेंट है, उसके बगल में ही है, इंडसइंड बैंक के सामने अजमेर रोड। और सर अपना जो है शॉप का ओपनिंग टाइम और बताओ एक बार। आप सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक आ सकते हैं। सर ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 7877533099। तो गाइज यहाँ पर आप आइए और एक बार ज़रूर दिवाली के ऑफ़र पर फेस्टिवल सीजन पे मंदिर जो है आप लेकर ज़रूर जाइए। एड्रेस सर ने बता दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर नीचे आ रहा होगा। I grew up in a place where they told you what to chase.
told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. गाइज अपने घर के अंदर जो मंदिर रखे रहते हैं ना, जो आप मंदिर लेके जाते हो, उनके पीछे की आप मेहनत देखिए, बहुत सारी जो है मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इधर आइए आप, ये भैया इसको मंदिर को चिपका रहे हैं, देखिए ये देखिए। और इस साइड आइए, ये भैया पेंसिल से इसको स्केल से करके और इसको साइज़ देंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? कन्हैया कुमार। तो भैया आप ये कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे 6 साल से। तो भैया आपको कितना टाइम लगता है एक मंदिर को तैयार करने के अंदर? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन? हम्म। 2 से 3 दिन? हम्म। तो ये आप जो ये बना रहे हो, ये कितने दिन में तैयार होगा? ये आज शाम को तैयार हो जाएगा। आज शाम को? तो गाइज आप ये देखिए एक चीज़ कि पेंसिल से ये करके बना रहे, क्योंकि मंदिर टेढ़ा नहीं बने और अच्छा लगे और अच्छा दिखे। तो सर आप ये बताइए, ये जो आप मंदिर बना रहे हैं कितने फिट का है लगभग? या 2.5 फीट का है। 2.5 फीट का मंदिर है ये। तो आपने देखा और सुना कि बहुत जो है मेहनत लगती है एक मंदिर को बनाने के लिए। ये इतना सुंदर आपको जो मंदिर दिख रहा है, ये ग्रेनाइट टाइल का है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस तरह से आप जो पत्थर लोगे वो आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि ये ही मंदिर लेना पड़ेगा, वो ही मंदिर लेना पड़ेगा, आप अपने अनुसार कस्टमाइज करवा सकते हो। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, इसे लाइक करें और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। दिवाली पे जो है फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो एक मंदिर यहाँ से आप ज़रूर लेके जाएँ। एड्रेस जो है यहाँ का है RJ14 रेस्टोरेंट के बगल में ही है, कृष्णा स्टोन अजमेर रोड।